मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं पर गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों के स्थान नहीं हैं। पर जो इंसान पहाड़ों में जाने की ख्वाहिश रखते होंगे, उन्हें तो यहाँ आकर निराशा ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उन ब्रेसलेट्स के लिए, वो अब भी मेरे पास ही है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि उसमें से एक ब्रेसलेट विजय को बड़ा पसंद आया और वो मैंने उसे ही दे दिया है। सॉरी वहां रहते कभी तुमसे विजय के बारे में बात ही नहीं हो पाई। काश मैंने तुम्हें वो लेटर लिखे ही ना होते। क्या जरूरत थी मुझे ये जानने की कि तुम कैसी होंगी। और मैं चाहता तो उस लेटर को जाने से रोक भी सकता था, पर सोचने और समझने में बड़ा वक्त जाया हो गया था। और सबसे अजीब, मैंने वो संडे की शाम को लिखे थे, पर मैं अक्सर संडे की शाम को नहीं लिखता हूं। तुम्हारे चले जाने के बाद से संडे का मुझ पर बड़ा ही अजीब असर होता है। है ना अजीब। सोचता हूं कल से मंदिर जाना शुरू कर देता हूं। और वहां का एहसास शायद मुझे अच्छा लगे। बड़ी मेहरबानी उन ब्रेसलेट्स के लिए जो तुमने अपने हाथ से पिरोकर बनाए थे। क्यों? ये सब के बाद तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट सोच भी सकता हूँ। और एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों से दूर हो जाना चाहता हूँ, पीछे हट जाना चाहता हूँ। है ना जी? शुरुआत में वो मुझे बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा असाधारण लगता हूँ, या कह सकते हैं सच्चा और असली। फिर जब मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, तो वो मुझे डरे डरे महसूस होने लगते हैं और ऐसा लगता है वो मेरी जिंदगी से गायब हो जाएंगे।
यही सब चीजें हैं जो मुझे एक अलग इंसान बनने पर मजबूर करती हैं। यही राज है मेरी जिंदगी का। पहले वो एहसास कि वो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे हो जाना चाहते हैं, और बाद में ये। और हाँ, मैं स्ट्रांग हूं, खासकर उनसे ज्यादा जो लड़के तुम्हें पसंद थे। कम से कम मुझ में हिम्मत और जज्बात तो है कुछ कहने और करने के लिए। इसीलिए मेरा सारा प्यार, चिंता, मेरा सारा लगाव इन इंसानों को छोड़ इन पेड़ पौधों के लिए बचा है, क्योंकि ये दुख तो नहीं देते पर ऑक्सीजन देते हैं जीने के लिए। पर सच बोलूं तो अब मेरा रोने का बहुत मन कर रहा है। जी करता है पूरी रात रो लूं, पर तुम्हारी इस हालत पे बहुत हंसी आ रही है ना, मजेदार। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये बातें और ये इमोशन मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं इस शराब की वजह से। ये शराब तो इसलिए पी रहा हूं कि तुम्हें यहां देख सकूं और तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं, है ना मजेदार। अब ये आग बुझने वाली है और मैं इस लेटर को जला दूंगा। रंग रंग के फूल खिले मुहे भाए कोई रंग ना हो, भगवान मिलो सजे।